fight for my attention, for your ascension, you must prove it. सो है फ्रेंड्स, लव एवरीवन एंड वेलकम टू ऑटो एमएस 20। देखिएगा, लास्ट टाइम जो हमने व्लॉग शूट किया था, वो शूट किया था कि कौन कौन सी गाड़ियाँ रहने वाली ऑक्शन के अंदर श्रीराम ऑटो मॉल के, तो उन्हीं का क्या प्रोसीजर रहने वाला है वो भी मुझे लगा कि ज़रूरी है चेक करने के लिए। इसलिए मैं सरप्राइज़ विजिट कर रहा हूँ आज यहाँ पर श्रीराम ऑटो मॉल के अंदर, कौन कौन सी गाड़ियाँ रहेगी, ऑक्शन किस तरीके से होता है, ये सारी जानकारी लेके। तो प्रोसीजर में पहली पॉइंट आता है पार्किंग का। तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्पेशियस पार्किंग इनके पास है, जहाँ पर टू व्हीलर पार्क हो चुकी है ऑलरेडी, और कुछ व्हीकल्स हैं जो बड़े वाले वो अपोजिट साइड के अंदर पार्क होने वाले हैं। यहाँ से शुरुआत होती है ये व्लॉग की। तो फ्रेंड्स, रश देख पा रहे हो, सारे के सारे लीलाओ के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आए। लीलाओ यानी ऑक्शन आपको पता ही होगा वैसे तो। बाकी ये सारे जो व्यू से आए हैं, ये भैया भी आप ऑक्शन के लिए आए हो? भैया ऑक्शन के लिए। ओके, कौन सी गाड़ी में इंटरेस्टेड हो आप, क्या खरीदना चाहते हो? डिज़ायर। डिज़ायर मतलब ये कार परचेस करने के लिए आए। ऐसे कई सारे व्यूअर्स हैं यहाँ पर जो भी कुछ ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। ये सर भी आए। सर आप कहाँ से आए हो? हम बीड़। बीड़ से आए हो। ओके, ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना है आपको, राइट? हाँ सर। कौन सी गाड़ी में इंटरेस्टेड हो? दस टायर। ओके, ट्रक। ट्रक के अंदर इंटरेस्ट हो? ट्रक या फिर हैवी कमर्शियल व्हीकल के अंदर, जैसे कार के अंदर आए। कुछ लोग बाइक्स के अंदर, मेरी बातचीत हुई उनके साथ, बाइक में भी इंटरेस्ट बता रहे हैं। तो इनकी सारी सब जो प्रोसीजर रहेगी वो भी हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू सर आने के लिए। बाकी मैं नेक्स्ट प्रोसीजर क्या रहती है वो दिखाता हूँ। तो आइए सर मेरे पीछे। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये विंडो आपको नज़र आएगी। एक बार विंडो दिखा देना। ये विंडो के अंदर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ता है हमको। सर मैं फॉर्म देख सकता हूँ? तो ये रहा फॉर्म। फॉर्म में आप देख पा रहे हो, फॉर्म दिख रहा है सर लिस्ट के अंदर। फॉर्म के अंदर आपको प्लेस भरना है, उसके बाद नेम भरना है, कंपनी नेम, एड्रेस, सिटी, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड नंबर, मतलब पैन कार्ड आपको लेकर आना है यहाँ पर, इतना तो है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आपका रहने वाला है, बीडर आईडी, ये सब कुछ यहाँ पर डिटेल प्रोवाइड होगी। बाकी रहा ये फॉर्म, ये प्रोसीजर सारी की सारी आपको यहाँ का जो स्टाफ है वो क्लियर करके देने वाला है। बाकी ये फॉर्म सबमिट होने के बाद में नेक्स्ट में क्या प्रोसीजर होती है वो भी जानकारी लेंगे। तो सर थैंक यू सो मच। तो जैसे ही फॉर्म आप फिलअप कर लेते हो, फॉर्म फिलअप करने के बाद की जो प्रोसीजर है, हमें एंट्री लेना है अंदर। तो सर हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये सर यहाँ पर आपको प्लीसफुली एकदम एंट्री देंगे। बिल्कुल रॉयल वाला फील आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। बहुत अच्छे तरीके से बलून डेकोरेशन हुआ है, कुछ गार्लैंड्स यहाँ पर नज़र आएंगे। अगर देख पा रहे हो, कैमरा थोड़ा इस साइड अभी घुमा देना। यहाँ पर सारी कारों का लाइनअप नज़र आएगा आपको। और सेकेंडली अगर आप देखते हो, यहाँ पर भी कुछ कारें नज़र आएगी। जैसा सेटअप लास्ट टाइम हमने देखा था उसमें बहुत सारे बदलाव अभी हो चुके हैं। ये सारी जो गाड़ियाँ हैं सारी लीलाओ के अंदर लगने वाली है। इनके ऊपर एक स्पेसिफिक नंबर दिया गया है, देखिएगा आप। घुड़ के सर आगे आइएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर 59 नंबर आपको नज़र आएगा। ये रहेगी 60, 62, 63, 64, 65, 61, यहाँ से गायब है शायद, कहीं लगी होगी बाजू में। ऐसे सारे नंबर वाइज रहेंगे शायद, मुझे तो इतना फिक्स पता नहीं, पर शायद ऐसा लगता है कि वन बाय वन ये गाड़ियाँ लीलाओ के लिए क्या बोलते हैं उसे, स्टेज के ऊपर वहाँ पर खड़ी रहेगी, वहाँ से उनका लीलाव होगा। मतलब पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, इस तरीके से कुछ काउंटिंग होने वाली है। अभी प्रोसीजर की तरफ बढ़ते हैं। पहले हमने फॉर्म फिलअप किया, रजिस्ट्रेशन किया, उन्होंने हमारा एकदम अच्छे से वेलकम किया। उसके बाद यहाँ पर जो सामने आपको कैबिन नज़र आ रहा है, ये कैबिन पर 3 या 4 काउंटर बने हैं जहाँ पर कि आपको पेमेंट भरना है। पेमेंट आपको पता है 20,000 रुपये, और ऊपर एंट्री फीस रहने वाली है 120 रुपये। तो इस तरीके का जो कुछ रहने वाला है ये सेटअप। और वेलकम टू औरंगाबाद ऑटो मॉल, मतलब ये औरंगाबाद का ब्रांच है, यहाँ पर स्पेसिफाई हो रहा है औरंगाबाद के मॉल के ऊपर आज हमारा व्लॉग शूट हो रहा है वैसे तो।
यहाँ पर सारे रजिस्ट्रेशन ऑफिस और अधिकृत कॉरपोरेट्स के सारे नंबर्स वंबर्स दिए गए हैं चाहते हो तो। ये तीन काउंटर्स है यहाँ पर जो रश नज़र आ रही है, ये सारी की सारी रश यहाँ पर लीलाओ में पार्टिसिपेट करने के लिए फाइनली आ चुकी है। बाहर से जो निकल जाते हैं रजिस्ट्रेशन करवा के उनकी बात अलग रही, पर यहाँ पर जो सारे लोग खड़े हैं ये सारे वो 20,000 रुपये की डिपॉजिट अमाउंट और 120 रुपये एंट्री फीस भरने के लिए यहाँ लाइन में खड़े हैं। तो यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आए, जैसे कि हमें भीड़ वाले लोग मिले थे थोड़ी देर पहले। सर आप कहाँ से आए हो? औरंगाबाद से आए हो आप? सर भीड़ से आए हो? ये भीड़ से आए हैं ये सर। बाकी सर आप कहाँ से आए हो? औरंगाबाद प्रॉपर। प्रॉपर औरंगाबाद। तो आपको कैसा लगा इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और स्टाफ कैसा लगा आपको? ऑलवेज बेटर है और मैं बिडर हूँ। ओके। हर टाइम आता हूँ तो इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। ओके। सर्विस भी बहुत अच्छी है और ये सर हमेशा यहाँ पर आते हैं। सर आपका नाम क्या है? आशीष। आशीष आशीष। तो आशीष सर थैंक यू इन्फॉर्मेशन देने के लिए। बाकी जो प्रोसीजर रहेगी अंदर जो सर खड़े हैं उनके पास देखेंगे कि बिलिंग किस तरीके से होता है और क्या प्रोसीजर अगली रहती है। तो दोस्तों फाइनली हम अंदर के साइड आ चुके हैं। बाहर से मैंने आपको बताया काउंटर कहाँ पर है, कहाँ से आपको रजिस्टर करना है। आपको अंदर आने की एंट्री तो नहीं रहेगी, पर अंदर के साइड में इसीलिए आया हूँ क्योंकि मुझे जानकारी लेती बाहर के साइड से मैं उतना अच्छे से कवर नहीं कर पाता था। तो सर आपका नाम बताइएगा पहले। पंडरनाथ। ओके पंडरनाथ सर हमारे साथ में रहने वाले, ये फॉर्म लेकर वो खड़े हैं। अंदर क्या क्या प्रोसीजर चल रही है आपके काउंटर के ऊपर? अंदर अभी यहाँ पे आने के बाद कस्टमर के हम KYC लेते हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड। ओके। रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा होता है वो फिलअप करके लेते हैं, साइन लेते हैं। ओके। फिर उसके बाद हम कस्टमर से कैश लेते हैं 20,120 रुपए। अभी ये फॉर्म फिल किसने किया है, आपने किया या कस्टमर? ये काउंटर पे हमारे एग्जीक्यूटिव बैठे हुए हैं। ओके सॉरी, वो फॉर्म वहाँ पर जो फिल हुआ था वहाँ से यहाँ पर ये फॉर्म आता है, तो उनके जो एग्जीक्यूटिव है वही ये फॉर्म को पूरा फिल करने वाला है। ये जितना आपको फॉर्म नजर आ रहा है आपको बस इनको इन्फॉर्मेशन देनी। इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने अटैच किए फॉर्म के साथ? आधार कार्ड और पैन कार्ड अटैच किया हुआ है। ओके, सिर्फ आधार कार्ड का जेरोक्स और पैन कार्ड का जेरोक्स यहाँ पर अटैच हुआ है जो पहले मैंने रजिस्ट्रेशन काउंटर बताया आपको। उसके बाद ये देने के बाद आपको कितने पैसे देने हैं? 20,120 रुपये। ओके, इसका रिसिप्ट मिलेगा? हाँ रिसिप्ट मिलता है ना। तो ये कैश में देना पड़ता है या फिर कार्ड भी चलते हैं हमारे पास? कैश और पेटीएम ऑनलाइन। पेटीएम ऑनलाइन, फ़ोनपे, गूगल पे सब चलेगा? सब चलेगा। गूगल पे, फ़ोनपे, आप जो भी तरीके से पेमेंट करना चाहते हो आप करवा सकते हो। बाकी रही बात डॉक्यूमेंट्स की, तो आधार कार्ड पैन कार्ड देना है। 20,000 रुपये डिपॉजिट रहने वाले हैं जो कि बिड नहीं जीत पाते हो तो रिटर्न हो जाएंगे, और 120 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस रहने वाली है जो कि रिटर्न नहीं होने वाली। बराबर सर? ठीक है, अभी ये फॉर्म फिल कर लिया मैंने, पैसे दे दिए आपको, आप मेरे को रिसिप्ट देते हो? रिसिप्ट देते हैं ना। ओके, रिसिप्ट आपको मिलेगी। बाकी ये क्या है आपके हाथ में? ये बिडर बुक है, इसमें पूरा मालूमात होती है गाड़ियों की। जी हाँ, ये देने के बाद इसमें सीरियल नंबर से ऐसे ओपन होता है। ओके। और इसमें पूरा लॉट नंबर के हिसाब से रहता है, जैसे कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। देखो अभी जैसे कि 17 नंबर है। ओके। 17, 18, 19, 20, तो इस नंबर से गाड़ियों के ऊपर भी नंबर। ओके ओके ओके। फिर इस पे मालूमात होता है पूरा गाड़ियों का। यस यस, मतलब ये सिक्वेंशियल लाइन के अंदर ये गाड़ियाँ पूरी खड़ी। मैंने जैसे आपको नंबर बताया था 60, 61, 62, 63, उस तरीके से। एक मिनट सर देख सकता हूँ। इसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन ये बिडर बुक के अंदर, टोटल जितनी गाड़ियाँ आज के ऑप्शन में रहने वाली सबकी। तो ये बुक मैंने हाथ में ले लिया है, ये इस कुछ इस तरीके से नज़र आता है। 162 मतलब 162 गाड़ियाँ है ऐसा कुछ? नहीं नहीं, 162 का कस्टमर है अभी। 162 का कस्टमर है वो, ये जो 162 नज़र आ रहा है। ओके, अभी 161 कस्टमर हो चुके हैं और ये 162 वाला कस्टमर रहने वाला है। और ये जो बुक है अगर अंदर से मैं बताऊँ आपको, तो इसके अंदर RC से लेके तो हर एक इन्फॉर्मेशन गाड़ी की प्रोवाइड की गई है। आपको मैं इसका फ़ोटो वोटो कुछ तो भी डाल दूंगा आखिर के अंदर। बाकी ऐसे पूरे इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि RC कौन सी है, टैक्स वैक्स पेट्रोल गाड़ी है कौन सी गाड़ी, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आपको बिडर बुक के अंदर नज़र आएगी। मतलब आप घड़ी भर के लिए पकड़ लीजिए, 26 नंबर यहाँ पर लिखा गया है, 26 नंबर की गाड़ी का अभी लीलाव हो रहा है सिक्वेंशियली। तो वो रहेगी 2012 की टाटा ज़ेनॉन 4x2 क्रू कैब पिकअप, मतलब वो जो क्रू कैब बताई थी मैंने आपको, जैसे दो रो होती है उसके लिए सीटिंग में, राइट, वो वाली गाड़ी रहेगी। और उसका टाइम बताएंगे यहाँ पर, RC है नहीं है, रजिस्ट्रेशन कहाँ का है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर, मतलब इंश्योरेंस सारी बातें रहने वाली है। सर इतना ही प्रोसीजर रहेगा, आप ये बिडर बुक दोगे और इसके बाद कहाँ जाएगा कस्टमर? यहाँ से कस्टमर ऑक्शन हॉल में जाएगा, उधर बैठ जाएगा और फिर सामने गाड़ी आते रहेंगे लॉट नंबर के हिसाब से वो भीड़ लगाएगा। ओके ओके, तो ये प्रोसीजर अगली क्या रहेगी वो भी हम लोग आज देखेंगे और कोशिश करूँगा वीडियो जस्टिफाई करे इस चीज़ के लिए। तो सर थैंक यू। तो यहाँ की प्रोसीजर हमने जानकारी ले ली, अभी नेक्स्ट ऑडिटोरियम की तरफ जाते हैं, ऑक्शन हॉल की तरफ जाते हैं और देखते हैं वहाँ पर फर्दर क्या प्रोसीजर रहने वाली है। एक्चुअली यहाँ पर मैं वीडियो कट करके अगला वीडियो डाल सकता हूँ, मर्ज कर सकता हूँ, पर मैं वो नहीं करूँगा,
क्योंकि जो गाड़ियाँ इतने प्यारे सीक्वेंस में लगी है वो भी आपको वीडियो में चलते चलते नज़र आने वाली है। यहाँ पर बोलेरो की कुछ गाड़ियाँ लगी है, दो बोलेरो है शायद से, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको अभी भी देना बाकी है। ऑक्शन हॉल देखिएगा, जब मैं शुरुआत में आया था वहाँ पर एक या दो लोग बैठे हुए थे, अभी देख सकते हो आप कितना सारा रश यहाँ पर हो चुका है। 162 नंबर वाला कस्टमर वहाँ पर था और अभी भी काउंटर के ऊपर बहुत सारी गर्दी हो चुकी है। सेटअप के हिसाब से यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल स्टार्टिंग में लगाई गई है और एंट्री में अगर देखोगे तो कारें आपको नज़र आएंगी और इस तरफ भी कुछ कमर्शियल व्हीकल है। ट्रैक्टर्स कहाँ लगे मुझे अभी तक दिखाई नहीं दिए, पर ट्रैक्टर्स शायद उस साइड लगे होंगे और बाकी आपको तो पता है पोकलैंड जेसीबी का भी लाइनअप वहीं पे है। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन हो गया, पैन कार्ड आधार कार्ड दे दिया, फॉर्म आया, बीच में जो कैबिन थी वहाँ पर 20,000 रुपये भरे, 120 रुपये एंट्री फीस भरी, उसके बाद में एक आपको बिडर बुक मिला, सारी की सारी चीज़ें हो गई है प्रॉपरली। अभी आ चुके हैं ऑक्शन हॉल के पास। ऑक्शन हॉल के पास आने के बाद ये जो आपको स्ट्रेट ये चीज़ नज़र आ रही है ये रहेगी रैंप। रैंप आने जितने भी सारे सीक्वेंस के अंदर गाड़ियाँ लगाई गई हैं सारी नंबर वाइज सीक्वेंस वाइज एक एक कर कर यहाँ पर आने वाली है और जितने सारे बिडर्स नीचे बैठे हैं वो सारे बिड लगाने वाले हैं उन गाड़ियों के ऊपर। तो और यहाँ पर की कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स अगर निकल कर आती है तो सर से जानकारी लेंगे। तो चलते हैं सर के तरफ। यहाँ पर रंगोली बनाई गई है जो कि 11th उत्सव शामिल ऐसा लिखा गया है उसके ऊपर। रैंप के ऊपर से मैं चल रहा हूँ, बहुत बड़ी स्पेस नज़र आ रही है, इसका मतलब कोई भी गाड़ी हो सारी की सारी गाड़ियाँ यहाँ पर आने वाली है। तो सर हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। यहाँ के मैनेजर साहब हैं जिनसे मुलाकात हम लोग कर रहे हैं। पीछे आप भीड़ तो देख ही पा रहे हो, बहुत ज़्यादा रश हो चुकी है। हमारे हाथ में जो बिडर बुक था वो 162 नंबर वाला बिडर बुक था और बाहर अभी भी रजिस्ट्रेशन के लिए रश हो रही थी। इसका मतलब है कि यहाँ पर कम से कम 200 लोग तो भी पार्टिसिपेट होने वाले हैं इस ऑक्शन के अंदर, जबकि इनके चार चार ऑक्शन होते हैं एक महीने के अंदर। सर सेलिब्रेशन वाला केक भी आ चुका है, राइट? सेलिब्रेशन भी होने वाला है, मतलब सेलिब्रेशन भी यहाँ पर होने वाला है, ये ऑडिटोरियम के अंदर प्रोग्राम होने वाला है। तो सर बताइएगा यहाँ पर क्या क्या रहेगा बिडर बुक लेने के बाद यहाँ आके बैठेगा तो क्या? जो भी मतलब कस्टमर बिडर बुक लेके आता है जी, वो उसको बैठने के लिए अपना ऑप्शन आ रहा है, मतलब ये सब पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अभी इसके अंदर हमारा पार्टिसिपेट करने वाले जो लोग हैं जिनको जो गाड़ी चाहिए होता है वो गाड़ी अपनी रैंप पे आती है, ओके, चल के आती है गाड़ी, हम गाड़ी चालू में ही गाड़ी बेचते हैं। और जिसको जो गाड़ी को भीड़ लगाना है, समझो किसको मोटरसाइकिल को लगाना है वो मोटरसाइकिल को लगा सकता है, किसको पिकअप को लगाना है वो पिकअप को लगा सकता है, हर एक गाड़ी हम लोग यहाँ चला के लाते हैं। आज के ऑक्शन में 118 गाड़ी है, 118 की 118 गाड़ी आज यहाँ पे रैंपिंग होगा, पूरा चल के गाड़ी आएगा। कॉम्पिटिशन देख सकते हो 118 गाड़ी है और 162 लोग है, मतलब कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर हर आदमी एक नए स्पेसिफिक गाड़ी के लिए यहाँ पर आया है। सर ने एक छोटी सी बात बताई बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जबकि गाड़ी रैंप पर चलकर आएगी इसका मतलब आपको खड़े गाड़ी के ऊपर बीड नहीं लगानी है, आपको चलते आने वाली गाड़ी के ऊपर बीड लगानी है। कंडीशन का जायज़ा वहाँ पर लग जाएगा। सर यहाँ पर आप रेस करके बताते हो गाड़ी को? रेस करके बताते हैं सर। और क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कर सकता है व्यूअर यहाँ पर? आप गाड़ी चेक कर सकते हैं, वैसे भी हम लोग गाड़ी चेक करने के लिए उनको पहले 2 घंटा देते हैं, 9 बजे से हमारा गेट खुला रहता है, ओके। उस टाइम भी उन्होंने अगर आके उन्होंने बताया मुझे गाड़ी का ट्रायल लेना है तो हम ट्रायल भी देते हैं। उन्होंने बताया कि हमको अगर गाड़ी चालू करके देखना है चालू करके देख सकते हैं, ट्रायल ले सकते हैं। ऑक्शन चालू होने के 2 घंटा पहले, ऑक्शन चालू होने के बाद में गाड़ी अपना रनिंग में ही इधर आता है, ओके। उसके पहले भी वेरिफिकेशन टाइम हम लोग देते हैं 2 घंटे। बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आप समझ पा रहे हो दोस्तों, मतलब यहाँ पर जब हम लोग आ रहे हैं तो 2 घंटे पहले पूरा गाड़ी का जायज़ा कर लीजिएगा और अगर गाड़ी आपको पसंद आती है तो ही आप बिड में पार्टिसिपेट करके बिडिंग कीजिएगा। बहुत बढ़िया चीज़ है, आप समझ रहे हो। साथ साथ हमारे कंपनी की तरफ से RTO को जो लगने वाला है, कस्टमर जो बोलता है RTO का हेडेक है ये, तो उसमें से कुछ व्हीकल्स हमारा ऐसा है RTO जनों से भी हम लोग करके देते हैं। स्पॉट फाइनेंस भी हमारा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी का करके देते हैं, यस। 70-80% हम लोग फाइनेंस करते हैं। RTO का भी हम वर्कआउट करके देते हैं कस्टमर को, मतलब कस्टमर को RTO में जाने की हेडेक नहीं रहे। हमारे जो इन पैनल RTO के एजेंट है हमारे पास, तो उनको पेपर्स के बारे में कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमारे पास तो कोई भी गाड़ी लेगी, ओके। मतलब सर अभी मतलब खुले खुले में मैं प्रोसीजर बता दे रहा हूँ आपको, पहले पैन कार्ड आधार कार्ड, उसके बाद 20,000 रुपये वो बीच में के काउंटर पे भरना है आकर, वहाँ से बिडर बुक लेना है, यहाँ पर आकर बैठना है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर रहेगी यहाँ पर इनकी गाड़ी आने वाली है, गाड़ी रैंप पर लगने के बाद आप सारे लोग यहाँ पर बिड लगाने वाले हो और बिड लगाने के बाद में अगर बोली जीत जाते हो तो भी एक प्रोसीजर रहेगी हैंड ओवर की,
वो भी मैं आपको बताऊंगा। लोन लोन भी होगा ना सर? लोन भी देते हैं हम, हमारा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी का लोन हम 70-80% करते हैं। ओके, 70-80% तक का लोन भी करवा के देंगे वो। पहले बिड जीतना है आपको, उसके बाद बाकी प्रोसीजर होने वाली, ठीक है। और गाड़ी जो चेक करवानी है, वैसे तो यहाँ पर रैंप पे आने के बाद गाड़ी अच्छी है या नहीं है रेस कर कर वो लोग बताने ही वाले हैं, पर आप 2 घंटे पहले अगर आते हो तो गाड़ी पहले खुद भी पर्सनली चेक करवा सकते हो, इसी तरीके का प्रोसीजर रहने वाला है। सर ये जो 3 बॉक्सेस है ये किस चीज़ के लिए? ये हमारे बिड कैचर्स के बॉक्सेस है, जो कि बिडर सामने जो बैठा है वो जो बिड देता है इस टाइप में, तो उसकी बिड कैच करने के लिए ये बिड कैचर्स के बॉक्सेस है। ओके, बिड कैचर्स के बॉक्सेस है तीनों भी, जिसके अंदर बिड कैचर 3 इनके स्टाफ मेंबर्स खड़े रहेंगे। नीचे जितने भी लोग बैठे हैं बिड करने के लिए, वो भी बहुत दूर दूर से आए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे कौन से गाड़ी में इंटरेस्टेड है और इनको सर्विसेज इनकी कैसी लगी, किस तरीके का है, फर्स्ट टाइम आए हैं, सेकंड टाइम आए हैं, वो भी सारी जानकारी हम लोग लेंगे। तो सर थैंक यू इन्फॉर्मेशन देने के लिए। बाकी लोन की जो प्रोसीजर है उसके लिए काउंटर आपने रखा है लगता है, तो वो भी मैं व्यूअर्स को बताऊँगा। तो आइएगा घुड़के सर, तो यहाँ पर अगर आते हो तो ये बीडर, ये जो 3 बॉक्सेस है यहाँ पर बीड कैचर्स रहेंगे, इनका स्टाफ रहने वाला है। बाकी एक बार घुड़के सर ये साइड भी कैमरा घुमा देना, यहाँ से पूरी कमांड्स आने वाली है, जो आपको अंदर एम्पलीफायर वो सब कुछ दिखाई दे रहा है वहाँ से कमांड आने वाली है। बाकी यहाँ पर स्क्रीन लगी है, स्क्रीन किस चीज़ के लिए लगी है मुझे नहीं पता। बाकी यहाँ सारे जो भी बीडर्स यहाँ पर आए हैं आप देख पा रहे हो इनका मॉप, एक बार कैमरा मॉप की तरफ ले लेना, सारे के सारे जितने हैं इतने सारे लोग यहाँ पर आए हैं, ये बहुत दूर दूर से आए हैं, कोई फर्स्ट टाइम आया होगा, कोई मैं बोल रहा हूँ मतलब सेकंड टाइम आया होगा, थर्ड टाइम आया होगा, तो कोई इंटरेस्टेड है यहाँ पर तो उनसे भी बातें कर लेंगे। तो लास्ट टाइम जाते हैं पीछे, कुछ चेयर्स खाली पड़ी है अभी भी, तो देखते हैं। एक्सक्यूज़ मी सर, आप कहाँ से आए हो? यहाँ औरंगाबाद के। औरंगाबाद के? आपको पहले कवर किया है मैंने। ओके ओके, तो आप कौन से गाड़ी में इंटरेस्टेड है? टाटा एस। ओके, आप पहले आ चुके हैं कभी बिड लेने? हाँ, पार्टिसिपेट किया है। तो कैसा रहा आपका पहला एक्सपीरियंस? अच्छा रहा, बहुत अच्छा है। गाड़ी परचेस की थी आपने लास्ट से? कैसी मिली आपको? 3 लाख रुपये थे। नहीं मतलब अच्छी थी गाड़ी? गाड़ी अच्छी होती सारी। कोई प्रॉब्लम आया ट्रांसफर वांसफर? नहीं। ओके, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सर। आपका नाम? सैयद हारून। ओके सैयद सर, थैंक यू इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ये औरंगाबाद से सर थे सर, बहुत मतलब पहले भी बहुत सारी बार आ चुके हैं यहाँ पर, और भी कुछ सर रहने वाले हैं, तो इन सर से भी बात कर लेते हैं। सर आर यू इंटरेस्टेड इंटरव्यू के अंदर? आप बीड़ के लिए आए हो सर यहाँ पर? जी जी, बीड़ के। बीड़ के लिए आए? तो कहाँ से आए हो सर? हम औरंगाबाद से, सेंट्रल नाका। सेंट्रल नाका से? औरंगाबाद सेंट्रल नाका से। कौन सी गाड़ी के लिए इंटरेस्टेड हो? हम लेंगे 2-3 गाड़ी लेना है जी, 2-3 गाड़ी लेना है, 2 व्हीलर। ओके, 2 व्हीलर लेने में इंटरेस्टेड है सर। 2 व्हीलर के लिए यहाँ पर आए? पहली बार आए सर? पहले भी आ चुके। तो बाइक से आपने कौन सी परचेज की थी लास्ट? शाइन लेना है। पहले कौन सी परचेज की थी? पहले डिलक्स वगैरह लिए थे। अच्छे रेट में मिली और गाड़ी अच्छी थी? ओके, तो गाड़ी भी अच्छी थी सर। आपका नाम? खालिद चौस। ओके चौस सर, थैंक यू सो मच। बाकी और भी यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर मोस्ट ऑफ दी 2 या 3 बार जी बताइए। शॉप है सेंटर नाके पे, न्यू मराठवाड़ा ऑटो कंसल्ट। ओके ओके ओके, न्यू मराठवाड़ा ऑटो कंसल्टेंट इनका शॉप है, जहाँ पर ये भीड़ होने के बाद ये गाड़ी खरीदी हुई वहाँ भेजने वाले हो, राइट सर? ओके सर, मिलते हैं, अच्छा था एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, इन सर से भी बात कर लेंगे। सर आप कहाँ से आए हो? सर मैं घाट नांद्रा से आया हूँ, सिल्लोड तालुका। ओके सिल्लोड तालुका से। आपका वीडियो सर, आपका आप यहाँ से आ सकते हो बोल के सर? सर आपका वीडियो देखे आया हूँ। हमारा वीडियो देख, सब्सक्राइबर है हमारे। तो सर घाट नांद्रा से आए सिल्लोड से बीड़ के लिए। सर मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपने पहले पार्टिसिपेट किया है? नहीं सर, पहले पार्टिसिपेट नहीं किया। आपका फर्स्ट टाइम है? ठीक है सर, ये फर्स्ट टाइम आप आए हो, बहुत अच्छी बात है, हम पे ट्रस्ट करके आए हो यहाँ पर। बाकी ये गाड़ी चेक करने के लिए आपको दी इन्होंने? गाड़ी चेक करने को नहीं दी, लेकिन गाड़ी हमने देखे, अब उस पर ट्रेस करेंगे अभी देख सर। ओके ओके, आपको प्रोसीजर के बारे में शायद से जानकारी नहीं दी। मैंने भी अभी मैनेजर साहब से जानकारी ली। तो इसमें ऐसा होता है कि अगर आप 2 घंटे पहले अगर आ जाते हैं यहाँ पर, लेट आए हाँ, और गाड़ी कोई आप स्पेसिफिक गाड़ी अगर डिमांड करते वहाँ पर, तो आपको चेक करने के लिए ये लोग दे देते। ठीक है, तो ठीक है सर, थैंक यू आने के लिए। बाकी इनका फर्स्ट टाइम वाला एक्सपीरियंस है। बाकी आगे तो कुछ प्रोसीजर्स चल रही है, तो हम आगे नहीं जा पाएंगे। नेक्स्ट जो भी कुछ प्रोसीजर रहेंगे हम एज एन व्यूअर बोल के बैठेंगे और चेकआउट करेंगे। छोटा सा गिफ्ट बैठना है।
तो दोस्तों छोटे छोटे इवेंट भी कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। ये सारा स्टाफ है यहाँ का, श्रीराम ऑटो मॉल का, ये यहाँ पर खड्डा कर रहे हैं क्योंकि इनको ये वाला झाड़ यहाँ पर लगाना है। प्लांटेशन बहुत ज़रूरी हो चुका है ग्लोबल वार्मिंग के जितने भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो दोस्तों ढल गया दिन, हो गई शाम, जाने दो, जाना है। देखिएगा जितना भी कुछ था आपने देख लिया, जितने सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर छोटे मोटे होते हैं। पहले ये फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो चुकी है, पीछे देख पा रहे हो टेबल हट चुका है, रैंप पे से टेबल हट चुका है, सबके स्वागत हो गए, गिफ्ट देना था गिफ्ट भी देने हो गए। अभी होगा ओरिजिनल शो चालू, अभी यहाँ पर रैंप पर गाड़ी आने को शुरुआत होगी और पहले नंबर की गाड़ी से, याद रखिएगा पहले नंबर की गाड़ी से बिडिंग स्टार्ट होगी और हम कवर करने वाले हैं हर सेगमेंट की एक एक गाड़ी कवर करेंगे। तो मेरे हिसाब से बस होगा और आप एक जजमेंट लगा लेना, उसके बाद क्या होता है वो भी प्रोसीजर आज ही मैं रुक के आपके लिए कवर करने। ये जो गाड़ी आपको नज़र आ रही है ना दोस्तों, ये गैस के ऊपर चलते से सुना है मैंने, अभी मेरे को इतना एग्जैक्टली पता नहीं है गाड़ी कौन सी है क्या है, इसकी जानकारी बाद में लूँगा। पर जैसे ही मैंने सुना है MS-12 रजिस्टर्ड गाड़ी गैस के ऊपर चलती है, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया दोस्तों। तो इस गाड़ी का बीडिंग तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ, बाकी अभी नेक्स्ट गाड़ी का बीड हम कैप्चर करेंगे पहले मोमेंट से। दोस्तों अपनी बैक साइड देख पा रहे हो, यहाँ पर एक प्लैटिना लगी है, प्लैटिन आपको पता है बहुत ज़्यादा डिमांड वाली गाड़ी है, चार नंबर का ऑप्शन है, ये चार नंबर की गाड़ी रहने वाली बीडिंग के अंदर। पहली वाली गाड़ी देखो बाहर निकल चुकी है, जो मैंने गैस में आपको बताई थी वो भी हम लोग कवर करेंगे। ये भैया है जो गाड़ी आगे लेके जाएंगे और उसकी बीड कैसी होती है। तो ये गाड़ी जा रही है रैंप के ऊपर जा रही है, देखिएगा मैं फ्रंट पे जा सकता क्या? लॉट नंबर 4 2000 बीच की बजट नहीं। तो देखो दोस्तों रैंप के ऊपर ही गाड़ी लग रही है, यहाँ पर प्लैटिना गाड़ी और वहाँ पर बेटिंग हो रही है, 50,000 चिल्लाया जा रहा है। ये देखिए ये 1, ये 2 और ये 3, ये 3 रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पर और बाकी लोग नीचे बिड ले रहे हैं। देखिएगा मैं ज़्यादा इसका इंटरफेरेंस नहीं कर पाऊँगा, देखते हैं देखते कोई बिड लगाता है। 45 क्या बात है, ये कमांड दी जा रही है सर की तरफ से, बहुत ही बढ़िया बिड लगा रहे हैं, बाकी देख सकते हो कोई बिड लगा रहा है। ये देखिएगा ये ऊपर एक टोकन आया, देखा बिडर बुक देख रहे हो कौन सा बिडर अभी उठाएगा, जो भी बीडर इसके ऊपर बीड लगाने वाला है वो ऊपर उसका बुकलेट लेगा और उसकी बीड बताएगा। तो ये है वो लास्ट में एक जन उठा है, देखा आपने है कोई 41 के ऊपर जाने वाला, देख रहे हो कैसे कैसे मोटिवेट कर रहे हैं ये सारे, तीनों भी जो बीड कैचर्स है तीनों भी मोटिवेट करते हुए नजर आ रहे हैं, बिल्कुल ही क्लैप करके सबको बोल रहे हैं कि आगे कौन कर रहा है, कौन कौन उठाता है यहाँ पर भीड़। हमें भी देखने में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होने वाली है। ये 45 के लिए एक बुक उठा है और ये सेकंड 46,000 के अंदर मांगे जा रही है। ओके फुल, देखिए बीडर नंबर 162 जो है उन्होंने ये बिड जीत चुके हैं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया इवेंट था। अभी नेक्स्ट यहाँ पर पल्सर आ रही है, बहुत हुआ दोस्तों अभी धूप में झुलसना, अभी थोड़ा सा जूस पीने का टाइम हो चुका है, गन्ने का शॉप देख सकते हो आप पीछे, गन्ने का जूस पीऊँगा उसके बाद बाकी क्या प्रोसीजर है उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों फाइनली बाइक का पूरा सेगमेंट खत्म हो चुका है, बाइक के अंदर भी एक दो एग्जांपल लिए, वैसे ही एक दो एग्जांपल सारे सेगमेंट के हम लोग लेने वाले हैं। गाड़ी जो भी रेट के अंदर बिकी होगी आपने देखा, इससे भी लो रेट के अंदर बहुत सारी गाड़ियां गई है, पर हर एक गाड़ी का वीडियो शूट करना बोले तो बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगा और मैं वह बनाना नहीं चाहता हूँ, उस तरीके का वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता हूँ। आपको एग्जांपल मिल चुका है गाड़ियाँ किस तरह से सोल्ड होती है, क्या प्रोसीजर रहती है, बिड कैसी लगती है, लोग कैसे अपने बुक्स ऊपर करके अपने अपने बिड लगाते हैं, भाई बाकी भी जो गाड़ियाँ हैं वो भी हम लोग देखेंगे एक एक करके क्या बिड के अंदर बिकती है। को 21 जनवरी 2024
जोपना 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 2017 की कार्य जीत एक साल जोपना जोपना दो लाख रुपए एक बार वन एटी वन पर फर्स्ट कॉल आया है के ऊपर बढ़ाने के लिए बोला जा रहा है पर कोई बढ़ा नहीं रहा है तीन मिनट हो चुके हैं अभी भी 180 पे चल रहा है एक पंचायत बोल रहे पर कोई नहीं दे रहा है शायद किसी को इंटरेस्ट नहीं इस गाड़ी के अंदर यहाँ क्या लोग सारे एंटरटेनमेंट के लिए आए मुझे समझ नहीं आया बहुत ही कम पर्चे निकल गई बिना मतलब ये भीड़ में ये गाड़ी हार गई समझ लो किसी ने इसे दाव नहीं लगाया कोई बीडिंग नहीं हुई इसके ऊपर नेक्स्ट गाड़ी आ चुकी है देख सकते हो दोस्तों भीड़ तो वैसे स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर बहुत जम के भीड़ कर रहे हैं लोग देखिएगा और ये एक गाड़ी में बता रहा हूँ आपको वो गाड़ी देख लेना पहले चार दस 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 चार
बहुत सारा वक्त हो चुका है दोस्तों, मैं यहीं पर हूँ अभी। कमर्शियल व्हीकल का राउंड स्टार्ट हो चुका है, सारी गाड़ियाँ तो नहीं बता पाऊंगा पर एक गाड़ी का पेड़ आपको जरूर बताऊंगा, क्या डिटेल रहेगी क्या नहीं आप सुन लेना, अभी मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो गए हूँ, यहाँ पर बहुत ज्यादा धूप भी है, तो देखते हैं ये राउंड किस तरीके के प्राइजेस देकर जाता है। लॉट नंबर 91, लॉट नंबर 91 लिख लो आपके बुक में, 2019 का, 2019 का LTK 2518, लॉट नंबर 91, 2019 का LTK 2518, इसका देखो ओरिजिनल आरसी बुक है, ये गाड़ी का देखो ओरिजिनल आरसी बुक है, 5/4/2022, 5/4/2022 तक इंश्योरेंस है, 31/3/2020 तक टैक्स भरा हुआ है, 31/3/20 तक टैक्स भरा हुआ है, RTO चालना है, एकदम टकाटक गाड़ी है, सिर्फ 22 लाख रुपए, 2019 का LTK 2518, 22 लाख, चलो 21 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, गाड़ी का आरसी बुक है, April 2022 तक इंश्योरेंस है, 31/3/2020 तक टैक्स भरा हुआ है, 2019 का है चालना आती है, 19 लाख रुपए, 18,50,000 रुपए, 18,50,000, चला 18 लाख रुपए, 19 का है वह 18 लाख रुपये, आणि जो पण ही गाडी घेईल त्यांना 2% सर्व्हिस चार्ज भरावा लागणार, 1% TCS भरावा लागणार, 2% 18% GST आहे, म्हणजे अमाऊंट वरती 18% GST आहे, पूर्ण अमाऊंट वरती नाही, 18 लाखावरती नाही, सर्व्हिस चार्ज वरती 18% GST, 19 लाख 60 हजार, टाकाटा बोला, 19 लाख 60 हजार, चालना है वा, एकोणीस लाख साठ हजार, 1970, 1970, 1970, फर्स्ट वन,
तो दोस्तों माहौल तो बन चुका है, सारे कमर्शियल व्हीकल एक एक कर आगे जा रहे हैं रैंप के ऊपर। मोटरसाइकिल का भी बता दिया किस तरीके से रहने वाला था, बाकी वो ऑडिटोरियम है जिसके अंदर जो भी बिडर वो बुक उठाकर जब बैटिंग करता है या बिडिंग करता है और जीत जाता है तो वो बिडर बुक के ऊपर एक स्पेसिफिक नंबर होता है जिसका रिकॉर्ड पैन कार्ड और आधार कार्ड के साथ जो लिंक हमने किया था फॉर्म में पहले टाइम उसके साथ होता है, तब वो नंबर पंच हो जाता है इतने इतने रुपए में ये गाड़ी इस कस्टमर को, ये वाले टोकन नंबर वाले कस्टमर को मिल चुकी है और फिर जाना पड़ता है अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ उधर। मतलब ये जो जगह रहने वाली है ये जगह के ऊपर हमने 20,000 रुपये भरे थे और 120 रुपये एंट्री फीस भी भरी थी। वही जगह पर नंबर पंच होने के बाद रिकॉर्ड जा चुका है। हमें अगर अगली प्रोसीजर करनी है तो हम लोगों को वहाँ जाकर एक तो कैश भरना होगा या फिर घर जाकर 7 दिन के अंदर वापस आना होगा। तो यहाँ पर जो सर है ये फाइनेंस वाले हैं, मोस्ट ऑफ द लोग फाइनेंस ही करवाएंगे। फाइनेंस करवाना चाहते हो तो ये जो टीम के मेंबर है उनके साथ में मैं बात करके जानकारी लेता हूँ कि फाइनेंस की प्रोसीजर किस तरीके से रहती है। तो यहाँ पर ये जो सर है हमारे साथ में वो फ़ोन पे थोड़े से बिजी है 2 मिनट, तब तक कि आपको बता दूँ आज कुछ चीज़ें मैंने नोटिस की उनके बारे में। तो यहाँ पर ऐसा था कि जब बिडिंग के लिए मैं स्टार्टिंग में आया तब मैं बहुत एनर्जी के साथ आया था, धूप तप रही थी, मतलब बिल्कुल ही परेशान सा हो गया था मैं थोड़ा उसके अंदर। कस्टमर देखें जो पुराने वाले हैं उनको सारे यहाँ के यहाँ की चीज़ें उनको पता ही है, बाकी जो न्यू व्यूअर्स है उनसे थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती है कभी कभी। जैसे एक इंसिडेंस ऐसा हुआ, एक बिडर ने गलती से बुक उठा दिया तो वो भी एक इशू हो जाते हैं। तो आप प्लीज़ पूरे रूल्स पढ़ के आना और कुछ मिस्टेक्स मत होने देना आपकी तरफ से। गलती से अगर बिडर बुक ऊपर करके आप अगर कोई बोली के लिए हाँ बोल देते हो, ऊपर बुक करना मतलब हाँ बोलना होता है, तो एक्सपीरियंस जो बंदा है पहले जो कभी बिडिंग के लिए आया है उससे पहले एक्सपीरियंस उसका पूछिएगा और फिर आप एंट्री लीजिएगा। अगर फ्रेशर हो तो इस तरीके की एक्शन भी आपके लिए मुश्किल क्रिएट कर सकती है। मुश्किल यानी क्या है, जो भी कुछ है अगर आप ऊपर करके हाँ बोल देते हो तो आपके नाम पर वो गाड़ी पंच हो जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल रिलैक्स और चिल माइंड से बिडिंग के खेल के अंदर उतरना है आपको। बाकी रही सर की बात तो सर से एक बार जानकारी लेंगे। सर पहले तो वेलकम कर लेता हूँ हमारे चैनल के ऊपर। बाकी आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम युवराज पवार है, मैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट। सर आप थोड़ा सामने आ सकते हो, थोड़ा क्लोज में लोगे वीडियो तो। क्या नाम बोले सर आपने? मेरा नाम युवराज पवार। युवराज पवार, ओके। तो युवराज पवार सर आप क्या बोलकर काम करते हो यहाँ पे? सर मैं रिलेशन एग्जीक्यूटिव है, मतलब श्रीराम। सामने आइए सर। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी जो है जो फाइनेंस करती है, उसमें रिलेशन एग्जीक्यूटिव बोल के मैं काम करता हूँ सर। ओके, रिलेशन एग्जीक्यूटिव बोलकर आप काम करते हो। तो सर यहाँ पर फाइनेंस के रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने हैं आपके? फाइनेंस के सर जैसे कि जब ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर गाड़ी का है उसके ऊपर डिपेंड करता है सर। जो आपका इंटरेस्ट है सर 7.50 से लेके 14.50 तक स्टार्ट है सर। स्टार्टिंग मतलब 7.50 है सर न्यू व्हीकल के लिए। ओके, 7.50 न्यू व्हीकल के लिए। और ये बिडिंग वाले व्हीकल का जो है? हाँ, ये यूज व्हीकल होते हैं सर, जैसे कि मैन्युफैक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब 5 साल का भी गाड़ी पुरानी होती है तो उसको अपन फ्लैट में एक 9.5% 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जो भी कुछ बात रहेगी आप समझ सकोगे। 7.5% से लेके तो 14% तक के इनके वेरिएशन होते हैं। आप आके देख लेना मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, गाड़ी के क्वालिटी के ऊपर, जो भी कुछ रहेगा कंडीशन के ऊपर, जैसे भी वो जज करेंगे आपका कम्युनिकेशन आप कर ले सकते हो अगर यहाँ पर आप बिड जीत जाते हो तो। उसके बाद सर जो बिड की प्रोसीजर थी उसके अंदर वो पॉम्पलेट ऊपर करना है, वो क्या है बिडर बुक होता है, वो यस कर देते हैं फिर अपन पंच हो जाते हैं फिर आपके पास हम आते हैं, तो क्या डॉक्यूमेंट लेकर आना है आपके पास? जैसे कि सर आप उधर गाड़ी बिडर मतलब आप परचेस करते हो, बिडर आपके नाम पे जो गाड़ी सेल आउट होती है उसके बाद में आप एक बायर अंडरटेकिंग बोल के एक फॉर्म है, अगर आपको गाड़ी कैश करवाना है तो आप अगले दिन आके कैश भर के गाड़ी ले जा सकते हैं। अगर आपको फाइनेंस कराना है तो उसके लिए आपको 70-80% हम लोग यूज व्हीकल पे फाइनेंस करते हैं। जैसे कि यूज व्हीकल के लिए जो फाइनेंस करते हैं उसके लिए डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, KYC डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो जरूरी होते हैं। उसके बाद में एक लाइट बिल है एड्रेस प्रूफ के रिगार्डिंग। जो आप कमर्शियल गाड़ी लेके लेते हैं तो उसके लिए इनकम प्रूफ की जरूरत नहीं, लेकिन प्राइवेट कार लेते हैं तो उसके लिए इनकम प्रूफ चाहिए। इनकम प्रूफ में हम एक्सेप्ट करते हैं 3 साल का ITR, उनका कोई एक
मतलब फैमिली मेंबर मतलब बच्चे के नाम पे लोन करते हैं तो अपन फैमिली में उसके पिताजी भी कभी इनकम सोर्स है उनका, वो भी हम एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद में जो है गाड़ी का आरसी इंश्योरेंस फिटनेस पासिंग, फिटनेस बोले तो पासिंग। तो कितने दिन का प्रोसीजर रहेगा ये सर? आरटीओ से मतलब आरटीओ में बिफोर होने के बाद 3 से 4 दिन का टाइम लगता है सर। आरटीओ में बिफोर होने की प्रोसीजर को कितना वक्त लगता है आप वो देख लीजिएगा, और उसके बाद 3 से 4 दिन इनके पास लगेंगे। गाड़ी आपके मतलब आपको लोन वोन हो जाएगा, गाड़ी आप लेकर जा सकते हो जब लोन की प्रोसीजर पूरी हो जाएगी। इतनी इन्फॉर्मेशन थी सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो इसी तरीके का कुछ ब्लॉग था आज का, जिसके अंदर हमने पूरी इन्फॉर्मेशन दी, बिडिंग कैसे होती है और कहाँ पर आना है ये तो आपको पता ही है, मैंने एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया, कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दिया था। नेक्स्ट टाइम कब बिड होगी वो भी मैं जानकारी दूंगा। हमारे चैनल पे बनिए रहेगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। बाकी व्यूअर्स आपको थैंक यू सो मच, धन्यवाद।